आजाद कश्मीर के मशहूर मारूफ सियासी शख्सियत और पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के सऊदी अरब आमद पर और 23 मार्च में पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम और अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबरान ने शिरकत की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज के चेयरमैन सरदार वकास नायतुल्लाह साहब ने महफिल की निजामत के फराइज अदा किए। उनके बाद कारी आसिफ साहब ने तिलावत कुरान पाक करके महफिल को पुरदूर किया। उनके बाद पीपल्स पार्टी सऊदी अरब के सदर चौधरी तसव्वुर साहब ने फरमाया कि मैं सुनकर अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नजरिए पर अमल करने वाले अपनी जमात के एक बहुत ही अहम रुकन चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम में उन्हें वेलकम करता हूँ। उनके बाद अलामा राशिद बासी साहब ने फरमाया कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है, इस मुल्क के साथ हमारी मोहब्बत और अकीदत का एक बहुत पुराना रिश्ता है और एक ब्रदर इस्लामी मुल्क की हैसियत से, एक बड़े भाई की हैसियत से जब जब पाकिस्तान को भी मसला दरपेश हुआ तो सऊदी अरब ने हमेशा अपना खुसूसी दस्ते शफकत रखा है और हमारी मदद की है और पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से दिया गया एक बहुत खूबसूरत और अजीम तोहफा है, जिसकी हिफाजत करना और उसके हवाले से फराइज अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके बाद अफजल भट्ट साहब ने फरमाया ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और मैं जब जब पाकिस्तान की सियासी शख्सियत के साथ बैठता हूँ तो अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल के बारे में बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इन मसाइल का हल निकाला जा सके और ओवरसीज पाकिस्तानी की अहमियत का अंदाजा दिलाया जा सके। उनके बाद आजाद कश्मीर के सबक एडवाइजर और सबक उम्मीदवार कानून सदर असेंबली और पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के एक बहुत ही अहम मेंबर सरदार आरिफ इनायतुल्लाह साहब ने फरमाया कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क के लिए हड्डी है, इन लोगों की हमारे मुल्क के लिए बहुत अहमियत है, ये लोग दियारे गैर में रहकर अपने मुल्क के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम देते हैं लेकिन जब दियारे गैर से वापस ही अपने मुल्क में जाते हैं तो इन्हें कई सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इनके मसाइल के हल के लिए खसूसी इदारा होना चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल को हल करे, न सिर्फ इतना बल्कि इन्हें असेंबली के अंदर भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उनके बाद पाकिस्तानी यकजहती फोरम के कन्वीनर सैयद रियाज बुखारी साहब ने फरमाया कि हम लोग तो कई सालों पहले अपने मसाइल की वजह से नामसाइल हालात की वजह से मुश्किल की वजह से अपने मुल्क को छोड़ के दियारे गैर में वापस आए, लेकिन अभी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने मुल्क के हवाले से अपने तमाम फराइज सर अंजाम दें और अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसे रहने के लिए खूबसूरत जगह बना सकें ताकि हमारी आने वाली नस्ल सुकून से अपने वतन में रह सके। उसके बाद पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर और आजाद कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ा नाम चौधरी यासीन साहब ने फरमाया कि इस वक्त जब एक तरफ हमारे पास मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन मौजूद है, जब एक तरफ हमारे हजारों मुसलमान भाई भर उस गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, एक तरफ हमारे मुल्क को इतने सारे मसाइल का सामना है, उस वक्त यकजहती इत्तेफाक और इत्तेहाद है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, अगर हम लोग एक कौम बनकर अपने मुल्क के लिए सोचते हैं तो फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मसाइल का हल भी निकाल पाएंगे और अपने महकूम भाइयों की भी मदद कर पाएंगे और इंशाल्लाह जो हमारे भाई कैद में उनकी आजादी का दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत जल्द आजाद होंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को एक रहने की जगह बना सकें, खूबसूरत रहने की जगह बना सकें, अपने फराइज सर अंजाम दे सकें और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारा एक बहुत अहम असास है और अपने मुल्क के लिए वो ध्यान गैर में रहकर वो बेतहाज खिदमत सर अंजाम देते हैं। आजाद कश्मीर की सियासत का एक बहुत ही अहम नाम और आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने फरमाया कि एक तरफ जब हमारे पास मसला कश्मीर है और मसला फलस्तीन है, जब एक तरफ हमारे हजारों भाइयों को हर रोज गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, उनके ऊपर ताशा मसाइल है जिनका सामना हो सकता है, उस वक्त हमारा मुल्क भी बेताशा मसाइल में गिरा हुआ है, कई सारी मुश्किल का सामना करे, उस वक्त हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इत्तेहाद इत्तेफाक और यकजहती के साथ रहे और मिल बांट के, और जब हम मिल के बैठेंगे, जब हम इत्तेफाक से रहेंगे, जब हम एक दूसरे को अपना हमवतन समझेंगे, जब अपने तमाम जाती इख्तलाफात अपनी रंजिशें बढ़ाकर अपने मुल्क को कौम की भलाई के लिए मिल बैठेंगे तो उस वक्त हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और उनका हल भी निकाल पाएंगे और इसी तरीके से हम अपने मुल्क के मसाइल हल निकाल सकते हैं और जो हमारे महकूम भाई हैं उनकी भी हम इसी तरीके से मदद कर सकते हैं। अल्लाह उनकी आजादी के वक्त भी ज्यादा दूर है, वो बहुत जल्द आजाद हो गए, लेकिन उनकी आजादी से पहले हमें अपने मुल्क को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाना पड़ेगा और वो हम इत्तेफाक इत्तेहाद और यकजहती के बगैर नहीं कर सकते और पाकिस्तानी जमानबुल की रीढ़ की हड्डी है, हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल, हमारा एक एहसास है उनके मसाइल के हल के लिए जिस सतह पर हो सके हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अलामा राशिद बासी साहब ने खुसूसी दुआ करवाई कश्मीर और फलस्तीन के महकूम भाइयों की आजादी के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब की सलामती के लिए। नाजी जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज के मेम्बर जो इस प्रोग्राम में शामिल थे उनमें जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल लतीफ अब्बासी साहब, जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज के सबक चेयरमैन मौजूदा वाइस चेयरमैन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के सदर सरदार मोहम्मद शफाक साहब, जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज के सबक चेयरमैन मौजूदा वाइस चेयरमैन चौधरी खुर्शीद अहमद बतयाल साहब, जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज के वाइस चेयरमैन सरदार महताब साहब, राजेश अमरो साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज और उनके साथ साथ इमरान अक्रम साहब, चौधरी मारूफ हुसैन साहब, शुजा अवान साहब और मलिक नौमान साहब ने शिरकत की।
पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मेम्बरान इस प्रोग्राम में शामिल थे, चौधरी अक्रम साहब, चौधरी जहीर साहब, मलिक जावेद हुसैन साहब और चौधरी अजहर वलायत साहब, तो तमाम तरह मीडिया फॉर्म्स और मीडिया हाउसेज के नुमाइंदगान भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। नाजरीन, 23 मार्च के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये वही दिन है जब करारदाद लाहौर हुई थी, जिसके मुताबिक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने की तजवीज़ पेश की गई थी, और साथ ही साथ ये वही दिन है जब पाकिस्तान का पहला आइन आया था, जिससे डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरफ मूव हुई थी। और नाजरीन, ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है, और लेकिन मैं इस दिन में अपना एक पैगाम भी देना चाहूंगा अपने तमाम तरह पहले हम वतनों को कि हम लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारी है अपने मुल्क के हवाले से जो हम पूरा नहीं करते। हम लोग अपने जाती खिलाफत में अपने मुल्क की मफादात को भूल जाते हैं। हम लोगों को एक होकर, एक कौम होकर, बहसीत कौम मिल बैठ कर एक दूसरे के मसाइल का हल निकालना चाहिए। हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपने मुल्क को, अपने मुल्क की मफादात को, अपने मुल्क की प्रायोरिटीज को हमें सबसे पहले रखना चाहिए। हमारे मुल्क के मसाइल इसी तरीके से हल होंगे जब हम लोग इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहेंगे, एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे, अपना हमवतन समझेंगे। यही मेरा भी पैगाम है नाजरीन आप सबके लिए। और नाजरीन, अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 o